दोस्तों हमारे नए चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में मैं सचिन शुक्ला आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम आपने पिछले वीडियो में बताए थे कि हम अपने अगले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के चतुर्थांश के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? त्रिकोणमिति के चतुर्थांश के बारे में। क्या होता है, एक अगर हम खींच ले कौन सी लाइन, क्षैतिज लाइन खींच लें, एक क्या कर लें ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लें। क्षैतिज लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वाई एच। यहां से बेटा क्या होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है नहीं होता है। अब यहां से अगर चलना प्रारंभ करते हैं, क्या करते हैं यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, हम यहां तक आते हैं, यहां से यहां तक आने में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 90 का बनता। यहां से अगर यहां पे आएंगे, यहां से फिर यहां तक 90 बनेगा और टोटल यहां से यहां तक कितना बनेगा, 180 बनेगा। और यहां से जब यहां आएंगे फिर कितना बनेगा, 90 बनेगा। और टोटल यहां से यहां तक का कितना बनेगा, 270 बनेगा। फिर यहां से जब यहां पे पहुंचेंगे तब कितना, यहां से यहां का 90 फिर बनेगा और 270 यहां तक था और टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो जब क्या होता है, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, यहां तक आते हैं, कितने 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर 90 में से कुछ भी कम हो, थोड़ा सा भी कम हो, 90 में से कुछ घटा दें, किसमें आता है, प्रथम चतुर्थांश में। ये हमारा क्या होता है, पहला खाना जो होता है प्रथम चतुर्थांश होता है, और दूसरा खाना जो होता है क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है। तीसरा खाना जो होता है क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश होता है। और चौथा खाना जो होता है क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है, चौथा चतुर्थांश होता है। 90 में से क्या बोले थे, 90 में से कुछ भी घटाएंगे किस चतुर्थांश में आएगा, पहले में। मान लिया 90 माइनस थीटा किसमें आएगा, पहले में। अगर 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इधर आएगा, इधर मतलब किसमें आएगा, दूसरे में। 90 प्लस थीटा किसमें आएगा, दूसरे में। अब यहां से चल के यहां पे आ गए 180 पे, 180 में से कुछ भी घटाएंगे किसमें आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। और 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो किसमें आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। अब यहां से चल के फिर यहां पे आ गए, कितना हो गया 270, 270 में से कुछ भी घटाएंगे किसमें आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। और 270 में कुछ भी जोड़ेंगे किसमें आएंगे, चौथे चतुर्थांश में, 270 प्लस थीटा। अब यहां से चल के फिर यहां पे आ गए, कितना हो गया 360, कितना हो गया 360, 360 में से अगर कुछ भी घटाएंगे किसमें आएंगे, चौथे में। कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट खड़े रहते हैं और वापस अगर आना हो, उल्टा आना हो, क्या होगा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा भी किसमें रहेगा, चौथे चतुर्थांश में। अब यहां से टोटल घूम के, यहां से टोटल घूम के यहां तक आए हैं, अगर फिर मान लो यहां से डायरेक्ट, यहां से घूमने बाद यहां से डायरेक्ट फिर जाना पड़ा इधर, तो 360 प्लस थीटा आ जाएगा, तो 360 प्लस थीटा किसमें जाएगा, पहले चतुर्थांश में। वैसे ज्यादा यूज नहीं होता 360 प्लस थीटा का, लेकिन हम लोग देख लेते, 360 प्लस थीटा अगर पड़ गया कहीं पे किसमें जाएगा, पहले चतुर्थांश में। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन सा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होते हैं। अब इसमें से देखते हैं किसका मान धनात्मक किस चतुर्थांश में होता है, किसका मान ऋणात्मक होता है किस चतुर्थांश में। तो क्या होता है, जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें सबका मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। और दूसरा चतुर्थांश जो होता है उसमें साइन और कोशक का मान किसका, साइन थीटा का और कोशक थीटा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तीसरा जो होता है उसमें टेन और कॉट का मान धनात्मक होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों धनात्मक होंगे। और चौथा चतुर्थांश जो है उसमें कॉस और सेक का मान धनात्मक होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा इसमें, धनात्मक। पहले में तो सबका सबका जो भी मान आएगा सबका मान धनात्मक आएगा, दूसरे में साइन और कॉस को अगर छोड़ देंगे सबका, जैसे कॉस हुआ, सेक हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, इनका मान क्या जाएगा, ऋणात्मक आएगा। ऐसे इसमें साइन कॉस सेक कोसेक का मान ऋणात्मक होगा, सिर्फ टेन कॉट को छोड़कर, सिर्फ इसमें ऐसे होगा कॉस सेक को छोड़कर, और सबका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और क्या होता है, जब हम चतुर्थांश में देखते हैं, जब कहीं पे आता है क्या 90 या 270, क्या होता है 90 होता है या 270, 90 प्लस हो, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये होता है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बदल जाते हैं, जैसे क्या होता है साइन थीटा बदल के किसमें चला जाता है, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदल के चला जाता है
साइन थीटा में, और टेन थीटा बदल जाता है किसमें, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाता है टेन थीटा में, और सेक थीटा बदल जाता है किसमें, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा बदल जाता है किसमें, सेक थीटा में। कब, जब मान 90 और 270 की हो, 90 प्लस हो या माइनस हो, 270 या प्लस हो या माइनस हो, लेकिन यहीं पे जब हमारा मान क्या होता है 180 हो, 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, या सिर्फ हमारा माइनस थीटा हो, इस ये सब होता है, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं चेंज होता। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा है तो टैन ही रहेगा, कॉट थीटा है क्या होगा, कॉट थीटा ही रहेगा, और कॉट के बाद क्या आता है, सेक थीटा है तो क्या रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा, सेक के बाद कोसेक, कोसेक थीटा है तो क्या रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा। चलिए हम देखते हैं कि 90 प्लस या 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, निकालते हैं मतलब उसके बराबर होता क्या है। अब हम निकाल लें अगर 90 माइनस थीटा, क्या निकाले, 90 माइनस थीटा पे तो साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे, अगर साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देख रहे हैं 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है, 90 माइनस किसमें है, पहले में है, और 90 90 पे क्या होता है, 90 और 270 पे बदल जाता है, तो साइन किसमें जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस किसमें जाएगा, साइन थीटा में, टेन किसमें जाएगा, कॉट थीटा में, और कॉट किसमें जाएगा, टेन थीटा में, सेक किसमें जाएगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक किसमें जाएगा, सेक थीटा में, हो जाएगा किस चतुर्थांश में गए टोटल, सबके सब पहले चतुर्थांश में, क्योंकि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, पहले में जाता है, तो पहले में सबका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ये हम देख लेंगे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा का, ऐसे कोसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। इसी पे हम देखें प्लस का, क्या साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90, प्लस का देखेंगे तो 90 तो चेंज तो होगा ही होगा, क्या होगा, चेंज तो होगा ही होगा, किस चतुर्थांश में गया 90 प्लस थीटा, दूसरे में गया, किस में गया, दूसरे में। अब दूसरे में कौन सा, साइन और कोसेक सिर्फ धनात्मक होंगे, तो साइन के आगे जो होगा उसको छोड़ देना, और कोसेक जो होगा उसको छोड़ देना, और सबके आगे क्या लगा देना, माइनस, हो जाएगा हमारा 90 प्लस और 90 माइनस का सूत्र निकल गया, निकल गया नहीं निकल गया, बचा कौन, 90 को हम खत्म कर दिए, इधर भी जाके इधर भी जाके 90 प्लस और 90 माइनस खत्म हो गया, बचा क्या 180। अब 180 का अगर निकालेंगे, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा का निकालेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा का जब निकालेंगे, 180 माइनस थीटा का जब निकालेंगे क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, हो जाएगा। अब इसका जब निकालेंगे 180 माइनस थीटा, एक चीज देखते हैं, हम जानते हैं 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, और कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक थीटा। अब देखते हैं 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, 180 माइनस दूसरे में है, दूसरे में कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक को छोड़ देंगे और सबके आगे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, आया समझ में, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा का, किसका, 180 माइनस थीटा, आप लोग 180 माइनस थीटा का भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, 180 प्लस थीटा, जब 180 प्लस करेंगे, यहां पे प्लस लगा देंगे, 180 प्लस किस चतुर्थांश में चला जाएगा, तीसरे में, और तीसरे में किसका, टेन और कॉट का मान धनात्मक होता है, मतलब क्या करेंगे, टेन और कॉट का मान धनात्मक कर देंगे और सबके आगे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। चलो ठीक है, आज का वीडियो हम अपना यहीं तक रखते हैं,
अपने अगले वीडियो में बताएंगे क्या, जैसे 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, यह हमारा क्या माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, ये किस चतुर्थांश में जाएंगे, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये सब चीज आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे।